नमस्कार। आखिरकार बड़े उठापटक के बाद महेश बैंक के नतीजे सामने आ ही गए। पूरे राष्ट्र की जिस पर नजर थी, उस महेश बैंक के चुनाव नतीजों में अदालत की हरी झंडी के साथ ही आज रमेश कुमार बैंक की संस्थापक पैनल ने 15 में से 10 सीटें हासिल करके जीत हासिल कर ही ली। वहीं भगवती बलदवा का धुआंधार चुनाव प्रचार भी उन्हें हार से रोक नहीं पाया। इस चुनाव में रमेश कुमार बंग को सर्वाधिक मत मिले, जहां रमेश कुमार बंग को 7,849 वोट मिले, वहीं भगवती बलदवा को 7,575 वोट मिले। एमएम पलोद 7,273, लच्छू राठी 7,195, कैलाश बंगड़िया 7,170, पुरुषोत्तम मंदाना 7,148, गोविंद राठी 7,043, अनीता सोनी 7,011, राम भंडारी 6,963, ब्रिज गोपाल असावा 6,767, पुष्पा बुब 6,726, भगवान पंचारी 6,726, अरुण भंगड़िया 6,679, बद्री विशाल मुंदड़ा 6,518 और प्रेम बजाज को 6,499 के साथ ही जब संस्थापक पैनल 10 सीटें लेने में अपनी कामयाबी हासिल की, वहीं फाउंडर पैनल को सिर्फ 5 ही सीट अपने हाथ लगी। हैदराबाद से नव भारत समाचार के लिए दिनेश जैन। सदैव की तरह अपना आशीर्वाद हमारे बहनों को दिया। बैंक की प्रगति हमारी समर्पित सेवाओं के लिए उनके अटूट विश्वास को हम सभी भूल नहीं पाएंगे। बैंक धारकों ने हर बार की तरह बैंक के निरंतर विकास को समर्थन दिया है। चुनाव प्रचार में बाहर के लोग आकर किस तरह से स्तरहीन बातें की, ये आपने देखा है। और हम सबको मिलकर बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। हम सबके लिए बैंक और अंशधारकों का हित सर्वोपरि होगा। ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराने में बैंक का स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। सभी अंशधारक शुभ चिंतकों का मार्गदर्शन हमें यथावत मिलेगा। मैं इस अवसर पर चुनाव अधिकारी और उनकी टीम का भी आभार मानता हूँ कि विषम परिस्थितियों में पूर्ण सौहार्द के वातावरण में चुनाव संपन्न कराए हैं। नए वर्ष में पुराने रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे, नई बहारों के संग इतिहास से हम तक मिलाएंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर कवर करके जो हमारे संस्थापक पैनल को सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।